अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां चुराहटा थाना क्षेत्र के छीजवार निवासी शांति बुनकर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पुत्र के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई है। बताया जाता है कि उसके बेटे को मनीष कोरी निवासी गढ़वा को जान से मारने की धमकी मिली थी। पीड़िता ने बताया है कि 6 अक्टूबर को मनीष कोरी के द्वारा उसके बेटे मिथिलेश कोरी की हत्या कर दी गई थी और बताया गया था कि फांसी लगा लिया है। पुलिस पंचनामा कार्यवाही कर सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। पीड़िता ने बताया कि उसका पति पागल है, वह बेसहारा है, उसके साथ भी मारपीट करते हुए धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते पीड़िता ने अपने बेटे के हत्यारे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। लल्लू राम कोरी कहाँ से? मवहार से, थाना अपना उचहरा थाना। क्या शिकायत लेकर रीवा एसपी ऑफिस आए हैं? सर, शिकायत हमारे भांजे को मार डाले हैं फांसी लगाकर, मनीष कोरी। क्या घटना क्या हुई? घटना सर, उनकी तबीयत खराब थी, दवाई करवाने के लिए बोल रहा था, तो बोलो दवाई अभी नहीं करवाओ, अभी चल के बालू ढो। घर में कोई नहीं थे उनके, उनकी सास मम्मी थी नगौध में और पिताजी खेत में थे, वो दोनों अकेले थे, चाचा भतीजे, उनके ऊपर फांसी लगाया गया और उतार के जमीन में धर के लिए फिर गुहार मारते हैं। 15 साल के, जब फांसी लगाए के बाद फिर उनको जब मोहल्ले वाले गुहार मारता है नीचे पड़ा के जमीन में, नीचे पड़ा लिया था, इसके बाद मोहल्ले के लोग पहुंचे तो नीचे पड़ा था लड़का। तो थाने में हम लोगों को यहाँ जानकारी नहीं मिली, पहले हम लोग अपने से जब इधर उधर से जानकारी मिली तो हम लोग पहुँचे वहाँ। सर, हम चाहते हैं कि जो सही है तो सही होना चाहिए। मेरा नाम है कल्लू राम। घटना शिकायत यह है कि मेरे नाती को ख़त्म मार डाले हैं। घटना किस तरह की बताइए, पूरी घटना बताइए। घटना साहब, मार डाले हैं, मार डालने के बाद कहीं की फांसी लगा ली सी। जब हम लोग वहाँ से आते हैं तो कोई फांसी में नहीं रहा। इसके बाद में पुलिस चौकी छिंदवाड़ की पुलिस जाए के वहाँ से फांसी में नहीं पाई, न कोई पंचनामा बना, डायरेक्ट पोस्टमार्टम के भेज दी। को विवाद बच्ची के तो उम्र से भया है और उसकी तबीयत खराब रही तो कहे कि मैं गाड़ी लेके दवाई करवाने जाता हूँ, तो छड़ा लिया है। छड़ाने के बाद अंदर चला गया तो वो गया है तो अंदर अब जौन तरीके से मारा हो, अब मार के गरमा लगा दिया है। नहीं करे साहब, हम अगर समय नहीं मिले, जब हम वहाँ से पहुँचे हैं अपने यहाँ से तो बाढ़ने के लिए तैयारी थी, कहीं को ताकना नहीं है। ये बच्ची पहुँच गई तो इनको लोग भगाते थे कि यहाँ से हट जाओ तुम लोग।